ऐसी दर्दनाक मौत किसी को ना मिले जैसी इस एक्टर को मिली है। नाम था इंदर ठाकुर, वही इंदर ठाकुर जिसे आपने एक मशहूर फिल्म में जरूर देखा होगा। हिंदी सिनेमा का सबसे पहले विलन हीरा लाल के छोटे बेटे इंदर ठाकुर साल 1950 को पैदा हुए थे। शुरू से ही कूट कूट कर हुनर भरा हुआ था। 80 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन वाले फिल्म बनाने जा रहे थे। नज़र इंदर पर पड़ी तो ब्रेक दे दिया। हीरो के बड़े भाई का दमदार रोल 1982 में सुपरहिट फिल्म आई नदिया के पार इंदर ने इस फिल्म में दमदार एक्टिंग करके सबका दिल जीत लिया था। साल 1985 की बात है, इंदर ने अमेरिका इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग प्रतियोगिता जीत लिए थे। इसी का अवार्ड लेने के लिए वो अमेरिका गए थे। वहाँ से कनाडा घूमने के बाद वो भारत लौट रहे थे। 23 जून 1985 को दिन में फ्लाइट थी एयर इंडिया 182 जो मोर्टियर दिल्ली लंदन होते हुए बॉम्बे आनी थी, लेकिन आतंकवादियों ने उस प्लेन में सूटकेस रख दिया था जिसमें बम था। अभी प्लेन एयर लेन के निकट पहुंचा ही था, लेकिन बम अचानक से फट गया और उसमें जोरदार धमाका हो गया। सभी यात्रियों के साथ अभिनेता इंदर की भी दर्दनाक मौत हो गई। सिर्फ 35 साल के अभिनेता की अंत ने सभी को चौंका कर रख दिया था। दोस्तों, आप इंदर ठाकुर को कितना पसंद करते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सिनेमैटिक्स रिव्यू अड्डा सब्सक्राइब करना ना भूलना।